राधा कृष्ण मंदिर परिसर में राधाष्टमी को भक्तों ने धूमधाम से मनाया। राधाष्टमी के अवसर पर क्लब रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में रविवार को राधा जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर तरकेश श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। फिर ब्रह्मा बेला में जन्म का मुहूर्त आते ही घंटे घड़ियाल की ध्वनि गूंजने लगी। जन्मोत्सव में श्री राधा जी के प्रकटाए के बाद वैदिक रीति से उनकी आराधना की गई और आरती करने के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान राधा जन्म की चर्चा करते हुए मंदिर के पुजारी रवि झा ने कहा कि उनका जन्म ब्रह्मा मुहूर्त के अरुणोदय काल में हुआ है था, सो वह प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। बरसाने में उनके जन्म होते ही माता कृति और पिता विश्वभान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी समेत अन्य देवगण आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। दिन के 12 बजे राधा रानी का जन्म हुआ था। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। भगवान श्री राधा और कृष्ण, कृष्ण के बिना राधा अधूरे हैं, राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। प्रेम के प्रतिमूर्ति आराध्य और उनके कृपा मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होती है उससे आप श्री राधा कृष्ण दोनों का जो पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र, आराधना, पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। राधा रानी की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। राधे के नाम में इतनी शक्ति है कि इनके नाम लेते ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं और भक्तों के ऊपर अभीष्ट कृपा की बरसात करते हैं। भगवान श्री राधे कृष्ण की पूजा या जितनी भी की जाए उतनी कम है। नाम जप की जो महत्ता है वह बहुत विशेष रूप से है, जिसमें राधा रानी का नाम जप ही राधे राधे कहने से ही बहुत सारे कष्ट और दूर हो जाते हैं और पाप से मुक्ति हो जाती है। अष्टमी तिथि के दिन श्री राधा रानी जी को नए वस्त्र पहनाकर पंचामृत स्नान कराकर, जिसमें दूध, दही, घी, मद्य, शक्कर और गुलाब जल, इत्र और सुगंधित द्रव्य से राधा रानी का पूजन अर्चना षोडशोपचार विधि से की गई। इसके बाद श्री राधा रानी जी को हलवा, पूरी, खीर, मिष्ठान, विभिन्न प्रकार के ऋतु फल, पंजरी, मिश्री, मेवा, भगवान श्री राधे कृष्ण को भोग लगाए गए। इनके पूजा करने से ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।